हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता'स हैप्पी लैंड। आज मैंने मेरे घर के इस दीवार को डेकोरेट किया है कुछ डीआईवाई के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इस दीवार को मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। और ये हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं कर सकती हूँ दीवार पे, इसलिए मुझे पेंट भी चेंज करने का परमिशन नहीं है। तो मैं इस येलो पेंट के ऊपर ही कुछ डेकोरेशन करूँगी। और ये मेरा घर पे एक पेंटिंग था मेरा, वो पेंटिंग मैं लगा रही हूँ दीवार पे बोथ साइड टेप की मदद से। मैं मेरा कुछ डीआईवाई किया हुआ चीज़ें दीवार पे लगा रही हूँ। इसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। दीवार की एक साइड पे मैंने एक रैक रखा है और उसके ऊपर दो इंडोर प्लांट रख दिया है। इंडोर प्लांट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा बेडरूम है इसीलिए। और मैंने यहाँ पर एक बुद्धा का मूर्ति भी रख दिया है जिससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएगा। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स और डायरीज रख रही हूँ ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ले सके। और उसके बाजू में ही एक लंठन रख दूँगी ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। इस ट्रायंगल शेप को भी मैंने डीआईवाई किया है और इसे बोथ साइड टेप की मदद से मैं इसे उस रैक के ऊपर की पोर्शन में इसे लगा दूंगी। रेड कलर का मैंने जो डीआईवाई किया है इसके अंदर मैं दो आउल रख दूंगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे मैं क्विल पेपर से बना हुआ फ्लावर ऐड कर रही हूँ दीवार पे। आप लोगों के पास अगर ना हो तो आप लोग फेक फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं फिर से बोथ साइड टेप की मदद से सारे फ्लावर को चिपका रही हूँ दीवार पे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर यूज़ किया है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा।
मेरा डेकोरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं पूरा लुक आप लोगों को दिखाऊंगी कि दीवार दिखने में कैसा लग रहा है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।